हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी लर्निंग टिप। चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे वेज जिससे आप गेस कर सकते हैं कि शायद आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ जी, शायद आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है। बच्चे होते हैं वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, या फिर जब वो डर जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा झूठ ज़रूर बोलते हैं, बेशक वो बच्चा बड़ा हो चुका हो या वो बच्चा छोटा हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनसे आप गेस कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है। फर्स्ट वे है कि बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड बात ही चेंज करना लगेगा। लाइक आपने उससे पूछा, आपने आज स्कूल में क्या किया, आपकी ड्रेस कैसे गंदी हुई, तो वो आपको ड्रेस के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको स्कूल की बाकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रूर बताएगा। वो टॉपिक चेंज कर रहा है, वो अपना जो मेन पॉइंट है कि ड्रेस कैसे गंदी हुई या आपने स्कूल में किसी के साथ फाइट की, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेगा। वो आपको किसी और पॉइंट पे, किसी और ट्रैक पे लेके जाना चाहेगा। सबसे ज़्यादा बच्चे ये वाला वे अपनाते हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप उनको डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, वो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि वो आपसे आँख चुराएंगे। इवन हम भी, अगर कोई हमारे दिल में चोर होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम कभी भी पर्सन की आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही बच्चे भी जो हैं वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। वो नीचे कोई और अपना काम कर रहे होंगे, या अपना बैग रखने चले जाएंगे, अपनी यूनिफॉर्म रखने चले जाएंगे, जो उन्होंने आज तक नहीं किया होगा, पर उस वक्त वो ज़रूर करेंगे कि मम्मा मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ, मम्मा मैं फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हो और उन्हें सच नहीं बताना है, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, तो वो ढूंढ रहे हैं सिचुएशंस कि वो कहीं बाहर जाएं। ऐसा होता है जनरली। नेक्स्ट जो आप नोट कर सकते हैं कि बच्चा अपना बॉडी वेट शिफ्ट करेगा। जब वो नर्वस हो जाते हैं तो वो एकदम स्टेडिली एक पोजीशन पे नहीं खड़े हो पाते हैं, वो शिफ्ट करते रहते हैं। कभी वो एक लेग के सहारे खड़े हो रहे हैं, कभी वो दूसरे लेग के सहारे खड़े हो रहे हैं। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो आप गेस कर सकते हैं कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है शायद। नेक्स्ट इज डिले इन रिस्पॉन्स। लाइक आपने उससे क्वेश्चन किया कि वट वर यू डूइंग देयर, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, सो वो सोचता है, बहुत देर बाद सोचने के वो रिप्लाई करता है आपको। तो अगर उसने सच बोला होता तो आप खुद सोचिए ना, वो तो इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता कि मम्मा मैं वहाँ पे टीवी देख रहा था। पर उसने सीधा आंसर नहीं दिया, उसने बहुत सोचा कि मम्मी मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, मैं शायद वहाँ पे ना प्ले कर रहा था। अगर आप प्ले कर रहे थे तो आप डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे ना, आपने इतना सोचा क्यों, आप भी सोचिए ये चीज़। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिस वे से हम गेस कर सकते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, वो होता है उनका फेशियल एक्सप्रेशन। बच्चा जब झूठ बोल रहा होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, बहुत धीरे बोलता है क्योंकि वो नर्वस होता है उस वक्त, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो शाउट करेगा, स्क्रीम करेगा, तो आप उसकी बात मान लोगे। बच्चा जब डर रहा होता है तो उसकी बॉडी शिवर करने लग जाती है, या फिर उसको स्वेटिंग हो जाती है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, इससे आप इजीली गेस कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट इज कीप्स ऑन डिस्टेंस। बच्चा आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएगा। आप उससे पूछ रहे हैं, वो आपसे दूर भागने लगेगा। आप उसके पीछे पीछे भी जा रहे हो ना, वो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, पर वो आपके पास नहीं जा रहा है। कह रहा है मैं दादू के पास जा रहा हूँ, मैं दादी के पास जा रहा हूँ, पर वो आपसे बात नहीं कर रहा है। और कभी भी अगर बच्चा झूठ बोल रहा है ना, तो वो रेगुलरली अगर आपके साथ कोई भी बात करता है, सो वो आपको एक या दो मिनट के लिए बात करेगा। बट अगर वो झूठ बोल रहा है ना, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा कि मम्मा वहाँ पे ऐसा हुआ था, उसने ये किया, उसने ऐसे किया, मैंने कुछ नहीं किया था पर उसने किया था। वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनहांस वे में आपको बताएगा, ताकि उसकी अगर कोई गलती है ना, वो हाईलाइट ना हो, बाकी सबकी गलती हाईलाइट हो जाए। सो ये थे कुछ बहुत ईजी से वेज जिनसे आप गेस कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और अगर आपको भी ऐसे कुछ टिप्स पता हैं जिनसे आप गेस कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर बेबीज।